स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट टॉपिक uh, है उसमें जो है अप्लाइड uh, रिसर्च की जो टाइप है एक्शन रिसर्च के ऊपर बात की अब हम अप्लाइड uh, रिसर्च की जो दूसरी टाइप है एक्शन uh, रिसर्च उसके ऊपर uh, बात करेंगे एक्शन रिसर्च इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच रिस्पोंडेंट एंड रिसर्च बिकम एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड दोज हु कंडक्ट एक्शन रिसर्च दे बिलीव दैट नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ पावर and the primary goal of research is to facilitate social change. Action research जो है वो इस purpose के साथ की जाती है कि जो community के issues हैं उनके ऊपर उनको address किया जाए और इस research के through social change लाया जाए। जैसा कि जो है feminist researcher काम कर रहे हैं sexual harassment at workplace पे और domestic violence के ऊपर और जैसे heritage activist काम करते हैं टू प्रिजर्व आर्कियोलॉजिकल साइट और जैसे पोलिटिकल एक्टिविस्ट काम करते हैं आ, किसी भी टाउन की जो है आ, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने से ड्यू टू एनी डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट और एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द डिवेल्पमेंट तो अकॉर्डिंग टर्च ऑफ एन वर्क अमंगट एंड दे ट्राई टू टीच लिटरेसी स्प्रेड एंड अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन जो एक एक्शन रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च के थ्रू जो एक इलिटरेट पॉपुलेशन होती है उसको किसी भी सोशल इशू के ऊपर uh, उनको uh, उनको उसका नॉलेज प्रोवाइड करता है उनमें अवेयरनेस uh, वो डवेलप uh, करता है ताकि उनकी लिविंग कंडीशन जो हैं वो बेहतर हो सके इसकी मैं आपको एग्जांपल पाकिस्तानी सोसाइटी से देता हूँ कि आज से तकरीबन आठ नौ साल पहले जो है पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम डेंगी का आउटब्रेक हुआ और डेंगी के आउटब्रेक होने के बाद एक पैनिक क्रिएट हो गया कि जो है आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से पैरालाइज हो गया कि इसको कैसे स्टॉप किया जाए तो उस वक्त जो इसको जो, जो जब स्टडी किया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि इसको हमें जो है देखना चाहिए एज अ बिहेवरियल प्रॉब्लम इसका जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो साफ पानी है तो हमें सबसे पहले लोगों को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि इसके सीज़न के दौरान जो है जो है रेनी सीज़न के दौरान और रेनी सीजन के बाद जो सीज़न है उसमें हम जो है अपने घरों में और अपने घरों के इर्द गिर्द जो है वो पानी खड़ा ना होने दें और कोशिश करें के जहाँ पे भी पानी स्टोर हो सकता है उन जगहों को हम साफ़ रखें तो इसके ऊपर जब लोगों को एजुकेट किया गया सेमिनार्स कंडक्ट किए गए वर्कशॉप्स कंडक्ट की गई तो हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ जो है ओवर द इयर्स देखने को मिला डेंगी के केसेस में और आज भी अगर हम देखते हैं तो आ, हमें अब उस तरीके से डेंगू के केस रिपोर्ट नहीं होते जो इसकी पहली आउटब्रेक में आ, आ, रिपोर्ट हुए थे तो इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि हमने इसको एज अ बिहेवियल प्रॉब्लम एड्रेस किया और इसमें जो आ, जो बिहेवियरल इशू था उसको एड्रेस करते हुए हमने इस आ, जो है आउटब्रेक पे काबू पाया एक्शन रिसर्च जो होती है इसको हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च भी कहते हैं जिसमें हम एम्फाइज करते हैं डेमोक्रेटाइजिंग द नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस एंड रिवीलिंग इनजस्टिस बहुत सारे जो एक्टिव रिसर्चर हैं वो मार्जिनलाइज कम्यूनिटी के इशूज़ के ऊपर काम करते हैं uh, जैसे कि हमारे यहाँ यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है तो एक्शन रिसर्चर उनके ऊपर उनकी लाइफ के ऊपर बात करते हैं एंड दे हाईलाइट सोशल इनक्वलिटी एंड द सोसाइटी यानी जेंडर की बेस पे रेस की बेस पे एथनिसिटी की बेस पे रूरल अर्बन डिवाइड की बेसिस पे कैसे जो है सोसाइटी में इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है एंड दे ट्राई टू इंगेज कलेक्टिव एक्शन दे ट्राई टू इंगेज पीपल टू ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी यानी कि कैसे हम जो है जो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको uh, इसमें प्रोसेस में एक्टिव बनाते हुए सोशल uh, चेंज ला सकते हैं एक्शन रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं द पीपल हु आर स्टडीड आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च प्रोसेस इसके ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्शन रिसर्च जो है उसमें हम रिस्पोंडेंट्स को एज अ पैसिव रिस्पोंडेंट्स नहीं समझते कि जिनका काम सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना है इसमें हम जो है उनको एज अ एक्टिव रिस्पोंडेंट समझते हैं जो कि सिर्फ डाटा प्रोवाइड नहीं करते बल्कि सोशल चेंज लाने में रिसर्चर के साथ एक रोल प्ले करते हैं और जो एक्शन स्टडीज़ होती हैं दे इनकॉर्पोरेट्स द पॉपुलर नॉलेज एंड कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एक्शन रिसर्च में हम जो है ऑर्डिनरी पीपल के जो है नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं एंड द स्टडी एग्जामिन पावर रिलेशन एंड डॉक्यूमेंट सोशल इनक्वालिटी और इनजस्टिस और इस तरह की रिसर्च में जो है हम जो सोशल इनक्वालिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं और अनजस्टिस को डॉक्यूमेंट करते हैं एंड द फाइंडिंग्स ऑफ एक्शन रिसर्च आर शेयर टू रेज द अवेयरनेस एंड एम्पावर ऑर्डनरी पीपल इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही होता है कि कैसे हम जो है इनक्वलिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है जो अनजस्टिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उसको डॉक्यूमेंट करते हुए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ टाइड डायरेक्टली टू सोशल पोलिटिकल एक्शन एंड अचीविंग सोशल गोल्स तो ये जो रिसर्च है इसमें कोई हम थ्योरी नहीं डेवलप करते बल्कि हम जो माशरे में जो तबकती तकसीम है जो सनफी तकसीम है और जो दूसरी जो माशरती तकसीमें हैं उनके ऊपर बात करते हैं और उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं